आपकी पुलिस से कोई दुश्मनी है? पुलिस से दुश्मनी भी बुरी और दोस्ती भी, यह बात इंदौर पुलिस ने साबित कर दी है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया और आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया की खास रिपोर्ट, इंदौर पुलिस की स्मार्ट गिरी। मिनी मुंबई इंदौर की पुलिस बहुत ही स्मार्ट हो गई है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में दो लड़कियां एक बाइक के पास आती है, कुछ रखती हैं और फिर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आती है और आते ही उस गाड़ी में कुछ तलाश करती है और फिर उन्हें वाहनों में नशीला पदार्थ और चाकू मिल भी जाता है। इंदौर पुलिस इतनी स्मार्ट हो गई है कि अब वह समस्या को खुद ही सूंघ लेती है। आपने देखा कि आते ही पुलिस ने बाहर खड़ी उस गाड़ी की तलाशी ली जिसमें वो लड़कियां कुछ छुपा कर गई थी। इसके बाद मामला रफा दफा करने के एवज में मोटी रकम यानी लाखों रुपयों की डिमांड भी कर डाली। यह मामला खजराना थाने में पदस्थ आरक्षक राजेंद्र व उनके दो साथियों के खिलाफ है। जाइदा नामक महिला ने जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक के सामने पुलिस कर्मियों की शिकायत की और जाइदा ने बताया कि तीनों पुलिसकर्मी उसके पति को मिलकर फंसा रहे हैं। 13 जुलाई को रात 2:45 पर दो महिलाएं चुपचाप घर के बाहर खड़ी बाइक पर उसकी सीट के नीचे चाकू और ब्राउन शुगर रखकर चली गई। फिर 3:45 पर तीनों पुलिसकर्मी आए और दरवाजा खटखटाकर पति को बुलाया, पति की गाड़ी की जानकारी ली और जांच करने लगे। फिर बाइक से दोनों चीजें निकालकर उसे धमकाने लगे। गाली गलौज करने के बाद उसे बाहर ले गए और छोड़ने के एवज में मोटी रकम की मांग करने लगे और ये मोटी रकम लाखों रुपये थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब जाहिदा के पति ने पुलिसकर्मियों को बताया कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए और आप पूरी घटना कैद हो गई है, तो घबराकर पुलिस कर्मियों ने जाहिदा के पति की जेब से 2,000 रुपए निकाले और रवाना हो गए। हम आपको सीसीटीवी फुटेज पहले ही दिखा चुके हैं जिससे साफ हो जाता है कि बाइक के पास खड़ी दो महिलाएं गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रही है। कुछ देर बाद दोनों चली गई। उनके जाने के बाद पुलिसकर्मी घर में पहुंचे और उन्होंने उस ही बाइक की तलाशी ली जबकि वहां और गाड़ियां भी रखी हुई है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि पुलिसकर्मियों को दोनों महिलाओं की जानकारी पहले से थी। जाहिदा ने बताया कि इस तरह की एक घटना इस इलाके में 2 दिन पहले भी घटी थी। उस वक्त भी यही पुलिसकर्मियों ने पैसे लेन देन करके व्यक्ति को छोड़ दिया था। मतलब पुलिस वाले मिलके दो चोरों से मतलब सबको फंसा रहे हैं और ये पीछे मतलब साहू है अनिल साहू करके, उसके यहाँ भी इनने वही पाउडर और वही पुड़िया रखी और उससे 10,000 रुपये ले गए। फिर एक दिन का गेप करके इनने वही हरकत हमारी गाड़ी में रख दी है। हमारे यहाँ कैमरे लगे थे, उनको पता नहीं था कैमरे में शूट हो रहे हैं सब। तो इन्होंने फिर मेरे आदमी को उठा के ले गए और बोले कि तुम पाउडर बेच रहे हो, बोले हमको 1 महीने से बोले वो खबर है। हाँ, पुलिस वाले ही मिले हैं तीन, एक तो राजेंद्र एक नारायण रघुवंशी करके। कहाँ पे पदस्थ है ये दोनों? ये रात में गश्त पे घूमते मतलब खजरान थाने के। अच्छा, तो ये किस तरह से फंसा था, किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है? मतलब ये दो पहले लड़कों को कपड़े पहन के इन्हें भेजे हैं लड़की के। फिर इन्हें आके हमारी पल्सर गाड़ी में रखे। क्या रखा? पाउडर रखे, मतलब 30 पुड़िया थी पाउडर की, गांजा था और एक चाकू। ये तीनों चीज इन्हें रख के ही चले गए और 1 घंटे के गेप में फिर पुलिस वाले आ गए। उन्हें आते से हमको बोले कि हमको 1 महीने से खबर है कि तुम पाउडर बेच रहे हो। तो हमने बोले इनको कि हम नहीं बेच रहे हैं, हम तो करते नहीं हरकत। फिर उन्हें गाड़ी निकाले, बोले लेके जाओ और तुमको बोले केस बनेगा तुम पे बड़ा। तो हमने बोले हमारे कैमरे लगे। तो फिर इन्हें थोड़ी दूर आगे जाके मेरे आदमी को रोक लिए वहीं पे। वो फिर फोन करवा के बोले कि 20,000 रुपये दे दो तो हम यही मामला दफा दफा कर देंगे। तो हमने मना कर दिया कि हम पैसे क्यों नहीं, हम करते ही नहीं काम। तो फिर इन्हें वापस आने वाले, हमारे यहाँ वीडियो पे उसमें आ रहा है कि सब किसने रखा। फिर वापस आए मेरे घर और देखे वो फोटेज छोड़ के 2,000 रुपये लेके चले गए। जाहिदा ने मामले की शिकायत डीजी गृह सचिव, आईजी मानव अधिकार आयोग, कलेक्टर, डीआईजी, एसपी, सीएसपी के साथ जन सुनवाई में भी की है। महिला ने आरोप लगाया कि वीडियो में जो महिलाएं नजर आ रही है
वे दरअसल महिलाओं के कपड़े पहने मोहल्ले के ही लोग हैं। दोनों पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पति को फंसाना चाहते हैं और अक्सर इस तरह से मोहल्ले के लोगों को फंसाते हैं। जन सुनवाई में महिला द्वारा की शिकायत के बाद से ही खजराना थाना और पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है। साथ ही पुलिस अधिकारियों की माने तो सीसीटीवी में दिखाई दे रही महिलाओं को भी पहचान की जाएगी और पुलिसकर्मियों की भी भूमिका जांची जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। खजराना थाना क्षेत्र से दो युवतियों ने जनसुनवाई में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कुछ फुटेज भी अवेलेबल कराए हैं कि कुछ दो युवकों ने जो उनके पड़ोस में ही रहने वाले हैं, उनके द्वारा जो है महिलाओं के वेश में जो है कुछ सामान जो है गाड़ी में रख दिया है और उसके बाद पुलिस ने आकर उन्हें जब्त किया है। इस पूरे मामले की जाँच जो है एडिशनल एसपी रंग के अधिकारी से कराई जा रही है। संबंधित क्षेत्र के एडिशनल एसपी को उसकी जाँच दी गई है और जाँच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस कर्मी की भी किसी भी इसमें लिप्तता पाई जाएगी या कोई भी बदमाशी की गई होगी तो उनके विरुद्ध भी एक्शन लिया जाएगा। जब हमारी रक्षा करने वाली पुलिस ही हमें परेशान करने का मन बना ले तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा। जाहिदा के घर लगे सीसीटीवी फुटेज ने तो पूरी कहानी बयां कर दी, वरना वो भी पुलिस के फेंके जाल में फंस जाती। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रशासन आम जनता को परेशान करेगा तो आखिर जनता की गुहार सुनेगा कौन। प्रदेश की पुलिस की इस स्मार्ट गिरी पर प्रशासन कोई सख्त कदम उठाएगा या फिर ये मामला भी दूसरी फाइलों में दबा दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।